नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। बात करेंगे आरटीआई लिमिटेड के बारे में। आज दिन स्टॉक का ना हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें आने वाले वीक में क्या इसका अपडेट रह सकता है, अपसाइड या डाउनसाइड रहेगा, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर भी बात करेंगे। तो देखिए, स्टॉक्स को लेकर बात करें तो पहले ना 225 रुपये से इसने ना 350 रुपये तक का अपसाइड का मूवमेंट दिया, ऑलमोस्ट जो है 50% की इसने ना शानदार रिटर्न दिया। फिर क्या हुआ कि रिटर्न देने के कारण क्या था, तो भारत नेट की तरफ से इनको बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट दिया गया था जो कि करोड़ों का था। फिर अभी कुछ दिन पहले मैंने पे बात आया था कि इनको 90 करोड़ का ऑर्डर मिला था, 90 के आसपास ही करोड़ का था। तो ये बहुत ही अच्छा अच्छे ऑर्डर मिले, जिस वजह से यहाँ पे ना आपको अच्छे मूवमेंट देखने को मिले। अभी क्या है, स्टॉक्स ना थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिल रही है, और 350 से अभी कितने पे आ गया, 290 पे आ गया। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 60 पॉइंट का इसने गिरावट दे दिया है, और अभी 3-4 दिन से यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से ना अपसाइड का भी चांस बन रहा है और नीचे का भी गिरने का चांस रह सकता है। दिक्कत कहाँ पर आ रही है, एक खराब अपडेट आ गया था जो कल के दिन आया था 3:20 के आसपास। ये अपडेट आ गया था कि यूक्रेन जो है रशिया के अंदर अटैक कर दिया, पहला खराब अपडेट आया। दूसरा अपडेट आया था कि रशिया अपना न्यूक्लियर पॉलिसीज चेंज कर दिया, जिस वजह से ना 3:20 पर अपडेट आया था। और फिर बाद में ना 10 मिनट के अंदर जो निफ्टी 300 पॉइंट अपसाइड का ट्रेड कर रहा था, 1.5% अपसाइड ट्रेड हो रहा था, वो तुरंत ही 1.5% खत्म हो गया और 300 पॉइंट भी नीचे गिर गया, और वो ना एक तरह से नेगेटिव में क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा था। तो एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया था, और अभी इसका इम्पैक्ट हमको कल के दिन देखने को मिलेगा। आज के दिन तो मार्केट क्लोज है, महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा है, फिर भी यहाँ पर 275 रुपये का अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर ये ना 320-325 का ब्रेकआउट जैसे ही करता है ना, तो यहाँ पर फिर दोबारा आपको ना 350 रुपये से लेकर 400 रुपये तक का अपसेट का मोमेंट ये देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर बहुत ही तगड़े तगड़े इनको मिले हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, बस एक ना यूक्रेन की वजह से, रशिया की वजह से ना गिरे, और FFI वाले ना सेलिंग करें, और DI वाले भी कुछ इसमें ना को अपना दिमाग ना लगाएं, तो यहाँ से हमको रिकवरी होने का चांस मिल सकता है। अगर ये रशिया यूक्रेन की वजह से अगर FFI वाले सेल कर दिए ना, तो फिर ये स्टॉक्स फिर आपको ना 225 के लेवल पर भी आ सकता है। तो सारे कंडीशन सारे न्यूज़ बता दिए हम, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। बस रिकमेंडेशन ही जय हिंद।